ओबीसी साहब को सुनने भी आए हैं और अपने आपकी ताकत का एहसास दुश्मन पार्टी को कराने आए हैं। मुसलमान ने समाजवादी को चाहा, समाजवादी को बिठा दिया, बहुजन को चाहा, बहुजन को बिठा दिया। सपोर्ट भी देंगे, वोट भी देंगे, दिलो जान से आपके साथ में है। 74 साल से आज तक वोट ही तो देते आए, लेकिन वोट के बदले मिला क्या? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन आयोग की रिपोर्ट। आपका नाम कहाँ से आए हैं आप? सहरसा शहर से। आप एक युवा हैं, सुहेलुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, क्या उनको जो भीड़ होती है क्या वोट में तब्दील होगी? वोट में जरूर तब्दील होगी। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहूँगा कि एक हमें गुजरात मॉडल दिखाया गया था, तो हमें ये देखना चाहिए कि हैदराबाद मॉडल क्या चीज है। उस हैदराबाद मॉडल को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जाना चाहिए। हैदराबाद तो संभाल नहीं रहा, यूपी आ एक डंडा और एक झंडा। अच्छा, अब यूपी की बात अगर आपने करी है, हैदराबाद से आया हूँ। कौन कहता है संभल नहीं रही? आप ही तो कह रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है। कौन कौन विपक्ष है? विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही, विपक्ष का काम ही आरोप लगाना होता है। सुनो नजावत भाई, हैदराबाद के अंदर ओवैसी साहब की कितनी सीटें हैं? 12% है मुसलमान वहाँ, लेकिन उन्होंने गठबंधन किया है इससे, क्या नाम, वहाँ की सरकार से। मुसलमानों को बेइंतहा फायदा होता है वहाँ, और हिंदुओं को भी फायदा होता है। ये नहीं, ओवैसी साहब ने सदन में आवाज उठाई, वहाँ के तमाम मौजिन, तमाम इमाम और मंदिर के धर्म गुरु सबकी 6,000 रुपए महीना तनख्वाहें जारी कराई ओवैसी साहब ने सरकार की तरफ से। तो ये पावर नहीं है। जिसको मुसलमान चाहेगा इंशाल्लाह इख्तदार पे वो बैठेगा। मुसलमान ने समाजवादी को चाहा, समाजवादी को बिठा दिया, बहुजन को चाहा, बहुजन को बिठा दिया। बहुजन से मुसलमान कट गया तो बहुजन बैठ गई, बताइए आप, बहुजन बैठ गई, कहाँ है बहुजन? मुसलमान जिसको सपोर्ट करेगा, मुसलमान का 10 करोड़ वोट है यूपी के अंदर, इंशाल्लाह वो बैठेगा। आपका नाम कहाँ से आया? मुजफ्फरनगर से। हम 3 दिन से पड़े हैं तैयारी प्रोग्राम की आए हैं। वोट भी देंगे या सिर्फ वोट नहीं, सपोर्ट भी देंगे, वोट भी देंगे, दिलो जान से आपके साथ में है और इंशाल्लाह बहुमत के साथ सीट लाएंगे अपनी। बहुमत के साथ? बिल्कुल। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? आरिफ। कहाँ से आए आप? बड़ोसा। सुनने आए हैं सिर्फ कि वोट भी देंगे? वोट देंगे, बहुत बड़ी तादाद में वोट देंगे भैया। आप कहाँ से आए अंकल? ये छोटा सा गांव कैलाशपुर है, यहाँ सहारनपुर जिले में। क्यों सिर्फ मोहब्बत में आए हैं सुनने ओवैसी साहब को? ओवैसी साहब को सुनने भी आए हैं और अपने आपकी ताकत का एहसास दुश्मन पार्टी को कराने आए हैं। वोट भी देंगे या सिर्फ ताकत का एहसास कराएंगे? 74 साल से आज तक वोट ही तो देते आए, लेकिन वोट के बदले मिला क्या? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन आयोग की रिपोर्ट, जिसने ये कहा कि मुसलमानों की हालत बद से बदतर हो चुकी, दलितों से भी नीचे इनकी स्थिति गई गुजरी हो चुकी। अब बताइए क्यों दें वोट? आप मुझे ये बताइए कि आज असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पे आने वाले, गठबंधन पे कुछ जिक्र होगा क्या? ओपी राज, देखिए हमने क्या कहा, मजलिस के लोग जो नेता नहीं है, कार्यकर्ता और मिशन के लोग, कमीशन के नहीं है। वो जो लंबे कुर्ते पालने वाले लंबे वो करते हैं गठबंधन की बात। हमारे नेता जो बात करेंगे वो हमें नहीं पता क्या करेंगे। हमें तो जो वो आदेश देंगे उस पर हम अमल करेंगे। हमें सिखाया जाता है जो हमारा नेता कहेगा हमें वो करना, वो जिससे गठबंधन कर लेंगे हम उसका गठबंधन का धर्म निभाएंगे पूरी मजबूती के साथ। अगर सामने वाला बेईमानी भी करेगा तो उसे हम बेईमानी नहीं करने देने के, ठीक है? हमारे बैरिस्टर साहब का कहना यह है कि भाजपा को छोड़कर जो भी हमारी शर्तों पर गठबंधन करेगा हम उससे गठबंधन करें, ये हमारे बड़े नेताओं का काम है, हमारा काम है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।